इस कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड से होती है, जहाँ पे एक कपल एक मॉन्स्टर की फ़ोटो को देखते हैं। वो कहते हैं यह नकली है। वहीं पे एक बूढ़ा आदमी कहता है यह सच में नकली है, लेकिन इसके पीछे एक सच्ची कहानी है, क्या तुम जानना चाहते हो? तो वो कपल उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है वर्ल्ड वार टू का वक्त था, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम होता है एंगस। वो पानी से बहुत डरता था। उसके पिता आर्मी में थे, लेकिन आज से एक साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं पे एंगस को एक अंडा मिलता है। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती हैं। वो उस अंडे को लेकर उसके मॉम के साथ घर चला जाता है। वो उनके वर्कशॉप में जाता है और उस अंडे को साफ करने लगता है। तभी उसकी मॉम बुलाती है, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। अब रात को वर्कशॉप के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंगस भागता हुआ वर्कशॉप में चला जाता है। वहीं पे वो एक अजीब सा जीप को देखता है, जो कि उस अंडे से निकला होता है। वो जीप उसके ऊपर हमला करता है। एंगस को लगता है वो भूखा है, जिससे कि वो उसे एक आलू काट कर देता है। वो जीप उसे खा लेता है और इस बार वो एंगस के ऊपर हमला नहीं करता है। एंगस देखता है उसे चोट लगी है। वो उसे ठीक कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम बुलाती है, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बहुत सारे यूरोपियंस आर्मी आ जाते हैं। वो सभी एंगस के घर में रहने वाले होते हैं, ताकि वो समुंदर के किनारे जर्मन सबमरीन्स पर नज़र रख सके। इसके बाद हम देखते हैं एंगस उस जीप का नाम रखता है क्रूसो। तभी एंगस देखता है क्रूसो सूख गया है, जिससे कि वो उसे पानी में डाल देता है। पानी डालने के बाद क्रूसो बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं एक आदमी आता है। उसका नाम होता है लुइस मोबरी। उसे एंगस की मॉम ने बुलाया होता है उनके घर के कुछ काम करने के लिए। एंगस की मॉम उसे काम शुरू करने के लिए कहती है। लुइस वर्कशॉप की साफ सफाई करने लगता है। तभी एंगस आता है और उसे कहता है आप यहाँ काम नहीं कर सकते, लेकिन लुइस उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं एंगस की बहन बाथरूम के अंदर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर आती है। तभी एंगस आ जाता है और उसके बहन को फिर से बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वहीं पे एंगस देखता है क्रूसो थोड़ा बड़ा हो चुका है। ये देखकर एंगस बहुत खुश होता है। एंगस अपनी बहन से उनकी मॉम को क्रूसो के बारे में बताने से मना करता है और उसकी बहन मान जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम ठीक करने के लिए लुइस आता है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। एंगस की बहन दरवाज़ा खोल देती है। तभी लुइस क्रूसो को देख लेता है, जिससे कि वो डर जाता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूसो उसके ऊपर हमला करता है। लुइस कहता है मुझे लगता है ये एक वाटर हॉर्स है। तभी एंगस की मॉम आ जाती है, लेकिन लुइस उसे छुपा देता है। आगे हम देखते हैं आर्मी वालों के कैप्टन रात को एक डिनर पार्टी रखता है, क्योंकि वो एंगस के मॉम का शुक्रिया अदा करना चाहता है। अब रात को एंगस की मॉम तैयार होती है और डिनर पार्टी में जाती है। कैप्टन उसकी वेलकम करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रूसो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। तभी आर्मी डॉग उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। क्रूसो भागता हुआ डिनर टेबल के नीचे पहुंच जाता है। एंगस भी उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन वो डॉग टेबल के ऊपर से जाने लगता है, जिससे कि सारा खाना बिखर जाता है। इसके बाद एंगस उसे ढूंढने लगता है, लेकिन क्रूसो नहीं मिलता है। तभी लुइस आता है। वो उसे कहता है
मैं उसे ढूंढता हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। अगली सुबह क्रूसो मिल जाता है। लुइस देखता है वो और बड़ा हो चुका है। लुइस एंगस को बुलाता है। अब एंगस उसे अपने घर में नहीं रख सकता है, इसीलिए वो दोनों उसे समुंदर में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। लेकिन क्रूसो एंगस को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर लुइस उसे किसी तरह समुंदर में भेज देता है। आगे हम देखते हैं दो आदमी मछली पकड़ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी क्रूसो को देख लेता है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है। क्रूसो उन्हें खींच कर ले जाता है, लेकिन वो रस्सी काट देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एंगस समुंदर के किनारे पहुंच जाता है और क्रूसो को बुलाता है, लेकिन क्रूसो बाहर नहीं आता है। फिर वो एक छोटे से नाव से समुंदर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद क्रूसो पानी से बाहर आता है। एंगस देखता है क्रूसो बहुत बड़ा हो चुका है, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। इसके बाद क्रूसो एंगस को अपने पीठ पर बिठाता है और उसे समुंदर की सैर करवाने ले जाता है। क्रूसो उसे पानी के अंदर ले जाता है। पहले तो एंगस डरता है, लेकिन अब उसका पानी के अंदर जाने का डर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्रूसो उसे किनारे पर छोड़ देता है। तभी आर्मी डॉग आ जाता है। एंगस क्रूसो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं पे एक आर्मी मैन क्रूसो को देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन एंगस उसकी मॉम और उसकी बहन को समंदर की तरफ ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि आर्मी किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि वो एंगस की मॉम को इम्प्रेस करना चाहता था। इसके बाद कैप्टन तोप चलाने का ऑर्डर देता है। ये बात सुनकर एंगस डर जाता है और उसकी मॉम को बताने की कोशिश करता है कि पानी के अंदर एक वाटर हॉर्स है, लेकिन उसकी मॉम उसके बात का यकीन नहीं करती है। तभी आर्मी वाले तोप चला देते हैं, जिससे कि क्रूसो बहुत डर जाता है। ये देखकर एंगस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन उसे बहुत बुरी तरह से डांटता है, जिससे कि एंगस की मॉम गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें घर ले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग क्रूसो की तस्वीर खींचने के लिए आते हैं, ताकि वो फेमस हो सके और बहुत पैसे कमा सके, लेकिन उन्हें क्रूसो दिखाई नहीं देता है, जिससे कि वो एक डमी बनाते हैं और उसका तस्वीर खींच लेते हैं। आगे हम देखते हैं एंगस लुइस के साथ क्रूसो को देखने के लिए जाता है और उसे बुलाता है। तभी क्रूसो बाहर आता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। एंगस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूसो उसके ऊपर हमला करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ आर्मी वालों को क्रूसो के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। तभी क्रूसो उनके ऊपर हमला कर देता है। वो उसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन क्रूसो उनकी नाव को पलट देता है। इसके बाद क्रूसो एक आदमी को पकड़ लेता है। वहीं पे एंगस उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी दूसरा आदमी क्रूसो के ऊपर गोली चलाने वाला होता है। लुइस उसे रोकता है, पर वो आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी गोली चलाता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होता है, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं एंगस का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। ये देखकर क्रूसो पहले तो उस आदमी को फेंकता है और फिर वो एंगस को बचाकर बाहर ले आता है। लुइस उसे किसी तरह होश में लाता है। ये देखकर क्रूसो भी शांत हो जाता है। वहीं पे कैप्टन और एंगस की मॉम आ जाते हैं। एंगस उसकी मॉम को क्रूसो के बारे में बताता है, लेकिन एंगस की मॉम उसके बात पर यकीन नहीं करती है और बहुत गुस्सा होती है। तभी क्रूसो पानी से बाहर आता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद आर्मी तोप के गोले से हमला करते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है पानी के अंदर कोई जर्मन सबमरीन है। एंगस क्रूसो के पीठ पर बैठ जाता है और उसे समुंदर की तरफ चलने के लिए कहता है। कैप्टन उसके बेस में संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे रेडियो खराब हो चुके होते हैं। आगे हम देखते हैं क्रूसो के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे होते हैं, जिससे कि एंगस उसे पानी के अंदर से जाने के लिए कहता है। इसके बाद आर्मी जाल को ऊपर कर देते हैं, जिससे कि क्रूसो दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। वहीं पे एंगस की मॉम, कैप्टन और लुइस पहुंच जाते हैं और एंगस को वापस आने के लिए कहते हैं। एंगस क्रूसो को वहां से जाने के लिए कहता है। अब क्रूसो बहुत तेज़ी से आता है और जाल के ऊपर से जंप करने की कोशिश करता है, जिससे कि जाल टूट जाता है और क्रूसो दूसरी तरफ चला जाता है। अगली सुबह एंगस और बाकी सभी क्रूसो को देखते हैं। क्रूसो वहां से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। वो कपल उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछते हैं, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा नाम एंगस है, यानी कि वो बूढ़ा आदमी ही एंगस होता है। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं। उसे उसी तरह का एक अंडा मिलता है जैसा कि एंगस को मिला था, और इस तरह से ये कहानी एंड हो जाता है।